अस्सलाम वालेकुम, हानिस किचन में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बैंगन का भरता विद जीरे वाले राइस और साथ ही बहुत ही मज़ेदार सी दही की चटनी। रेसिपी शेयर करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। भरता बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है उसमें है दरमियाने साइज की प्याज है वो मैंने बारीक काट ली है, एक बड़े साइज का टमाटर है उसको मैंने बारीक काट लिया है, धनिया पुदीना थोड़ा सा चॉप कर लिया है मैंने, 3 अदद हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद जीरे वाले राइस बनाने के लिए एक मैं चिकन क्यूब इसमें यूज करूंगी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला और नमक हस्बे ज़रूरत। दही की चटनी बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी लहसुन के 2 जवे मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिए हैं, 1 अदद हरी मिर्च को मैंने बारीक पीस लिया है, थोड़ा सा धनिया पुदीना मैंने बारीक पीस लिया है और नमक हस्बे ज़रूरत इसमें हम शामिल करेंगे। चावल मैं यहाँ पे 1 पाव लूँगी। भरता बनाने के लिए बैंगन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, दरमियाने साइज के मैंने बैंगन जैसा कि आपको बताया ये मैं पहले से चूल्हे पे रख दिए थे। ये मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल जो है उसको गर्म कर लिया है। जब तक हमारे बैंगन हो जाते हैं हम चावल जीरे वाले चावल हम रेडी कर लें। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी, इसमें आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। जीरे को थोड़ा सा फ्राई करके मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी जो मैंने 20 मिनट पहले से भिगोए हुए थे।
जी ये मैंने चावल को अच्छी तरह इसमें जीरे में मिक्स कर लिया है। अभी एक कप चावल में तकरीबन मैं 1.5 कप पानी डालूंगी। बहुत ज़्यादा हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना। अभी मैंने नमक इसमें शामिल कर दिया है और मैं चिकन क्यूब इसमें शामिल कर दूंगी। बैंगन का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से कुक हो चुके हैं। अभी इसको थोड़ा सा तेज चूल्हा करके आप 10 मिनट तक पकाएं ताकि पानी खुश्क हो जाए और चावल गल जाएं। और फिर उसके बाद उसको हल्की सी आंच पे दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरह गल गए हैं। इसमें मैं 2 अदद हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ और इसको मैं 10 मिनट के लिए फिर रख दूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूंगी ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए चावल में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे बैंगन बहुत ही अच्छे तरीके से गल भी चुके हैं और अच्छी खुशबू आ रही है इनमें। काट कर रखा था उसको मैं अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लूंगी। इसके साथ अब मैं दही की चटनी रेडी करूंगी। दही की चटनी में हस्बे जरूरत नमक, लहसुन 2 जवे जो मैंने पीसा हुआ था, तो व्यूअर्स ये हमारे बैंगन का भरता, जीरे वाले राइस और दही की मज़ेदार चटनी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है ये मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।